हेलो चिल्ड्रेन, दिस इज़ क्लास टू हिंदी चैप्टर 10 मीठी सारंगी। आज इस वीडियो में हम लोग इस पाठ से संबंधित व्याकरण जानेंगे। जैसा कि आपको यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोग इसे बोल कर देखो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे आपको बोल कर देखना है, जैसे कि बांसुरी, दूसरा है बंसी, तीसरा है हंस और चौथा है हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है। चंद्र बिंदु का आप देख रहे हैं कि किस तरह से है, आधा चांद बंधा हुआ है और उसके ऊपर बिंदु है और बिंदु में केवल एक बिंदु लगा देना है। आपको किसी शब्द में बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है, ये आपको बताना है। जैसे कि चांद, चंदन, मंगलवार, मांगना, सुंदर, सांप, झांसी, झंझट, कंकड़, कांपना, अंधा, आंधी। तो आपको किस शब्द में बिंदु लगाना है और किस शब्द में चंद्रबिंदु लगाना है, आपको ये बताना है। जैसे कि चांद, तो चांद में चंद्रबिंदु लगा है और चंदन में बिंदु लगा है। मंगलवार, मंगलवार में बिंदु लगा है और मांगना में चंद्रबिंदु। सुंदर में बिंदु लगा है और सांप में चंद्रबिंदु। झांसी में चंद्रबिंदु लगा है और झंझट में बिंदु। कंकड़ में बिंदु लगा है और कांपना में चंद्र बिंदु। अंधा में बिंदु लगा है और आंधी में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो आपको इसे अपने कॉपी में साफ साफ सही सही लिखिएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा हुआ है वहाँ चंद्र बिंदु लगाइएगा और जिस शब्द में बिंदु लगा हुआ है वहाँ पर आप बिंदु लगाइएगा। धन्यवाद।